हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पापिया व्लॉग्स। तो जिस दिन ये व्लॉग मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ, डेट है 13th of May 2022 एंड डे है फ्राइडे। फ्रेंड्स, आज का जो डे है बहुत ही स्पेशल है। वो क्यों है, आज का वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल पापिया व्लॉग्स विद द बेल बटन ऑन। सो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है और अभी 7 o'clock हुआ है, जब मैंने अपने बाकी एक्टिविटीज़ जो मॉर्निंग एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टरनून टाइम पे। फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम अगेन। तो फ्रेंड्स, अभी ऑलमोस्ट आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और मैं अपना रेगुलर शावर लेके आई हूँ। एज यू नो, टुडे इज़ अ स्पेशल डे बिकॉज टुडे इज़ माई बर्थडे, 13th of May। मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत स्पेशल है। एंड फ्रेंड्स, आज के शॉर्ट से ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हाउ आई हैव स्पेंट माई डे। आई होप इट वुड बी अ गुड डे स्पेंट। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ इंजॉय कीजिएगा एंड आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो टू। सो लेट्स गो। मैं स्ट्रेट अवे अभी मंदिर जा रही हूँ एंड देन आई विल लेट यू नो मैं क्या क्या करती हूँ आज के दिन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, फास्ट रख के मैंने मंदिर में पूजा किया पहले, फिर मैं ऑफिस में पहुँच गई। रेगुलर वर्क कंप्लीट करना था, जो ऑफिस का रेगुलर टास्क होता है वो कंप्लीट करना है। सेलिब्रेशंस तो है बट ऑफिस का काम भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना घर का काम। तो सारा कुछ कंप्लीट करके मैंने प्लान किया कि आज थोड़ा फ्रेंड्स के साथ छोटी सी आउटिंग हो जाए। तो ये मैं ऑफिस कलीग्स के साथ मैं निकल रही हूँ बाहर। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू हैव लंच। जो लंच था काफ़ी सिंपल मेनू था, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट सब ने प्रेफर किया छोले भटूरे ओनली, बिकॉज इट वॉज अ स्पेशल ओकेशन, माई बर्थडे, फॉलोड अप बाई दिस रिफ्रेशिंग रबड़ी मलाई फालूदा आइसक्रीम। दिस वॉज रियली गुड टेस्टी, बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स मिलके वापस ऑफिस में आ गए थे अपना पेंडिंग वर्क कम्प्लीट करने। हाई अगेन। सो फ्रेंड्स, अभी ऑफिस में बैठी हूँ, जस्ट हैड लंच विथ माई फ्रेंड्स। सो जस्ट स्पेंडिंग सम टाइम चिट चैटिंग एंड स्पेंडिंग माई डे जस्ट लाइक दैट। टुडे इज़ अ लाइटर डे, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, स्टे विथ मी। आगे आगे जो होता है मैं आप लोगों के साथ तो शेयर ही कर रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, वर्क इज़ कम्प्लीटेड, इट्स टाइम टू लीव द ऑफिस फॉर द डे। और मैं मस्ती करते हुए किस तरीके से निकल रही हूँ आगे देखिए। फ्रेंड्स, राइटली सेड, ये सॉन्ग में जो वर्डिंग्स है काफ़ी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और जैसा भी है फिर भी लव यू जिंदगी, ये तो एक फैक्ट है। फ्रेंड्स, ये व्लॉग बहुत ही छोटा था जो आज मैंने शेयर किया है, पर मेरे आने वाले बर्थडे का जो है कंटिन्यूड व्लॉग होगा, जहाँ पे कुछ ऐसी मैसेजेस विशेस जो रियली मेरे दिल को छू गई है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिटेल में शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे आने वाले व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, वो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, इवनिंग में ऑफिस से रिटर्न करते टाइम मैं वापस मंदिर में गई थी इवनिंग टाइम दर्शन करने। और ये तो मैंने छोटा सा मोमेंट्स आप लोगों के साथ कैप्चर किया, आगे का व्लॉग भी देखिएगा जहाँ मैं कुछ अपने फीलिंग्स इमोशंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल पापिया व्लॉग्स। आपकी ब्लेसिंग्स विशेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय फॉर नाउ।